से 3 मिनट दी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे डांस होए, योगा होए, सैर होए, स्विमिंग होए, सीड्स ऑफ ब्लेसिंग भी किया जाता है। तनु कोई भी गुर्दे का रोग होए, तनु कोई भी किस्म का जिगर का रोग होए। हुन असीं इसी दूसरे हैक दे बारे च गल करांगे। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत है, मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हाँ, आहार विहार डाइट एंड वेलनेस क्लिनिक अमृतसर तो। असी सब वेट लॉस करने लिए की कुछ नहीं करते, कई बार ऐसा होता है कि असी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा डाइट रूटीन फॉलो कर रहे हैं, पर फिर भी सानू रिजल्ट्स पूरी तरह वो नहीं मिल पाते जो असी सोचते हैं। सो आज मैं कुछ हैक्स के बारे गल करांगी, कुछ एहो जिहा व्यौंतां के बारे गल करांगी जिदे नाल तुहानू ए जिहड़े रिजल्ट्स ने बहुत अच्छे मिलेंगे। इसदे लिए जरूरी है कि तुसी जो कर रहे हो करते रहो, एक अच्छी डाइट, एक अच्छी रूटीन फॉलो करते रहो और एक अच्छा एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करते रहो। और अगर एक्सरसाइज करने का टाइम ना हो तो 30 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे डांस होए, योगा होए, सैर होए, स्विमिंग होए, वो जरूर करो। सो अज एक छोटा जा हैक जो बहुत इफेक्टिव है, जो मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस सब तो ज़्यादा जो है साढ़े क्लाइंट्स के काम आया है, वो बारे गल करांगे। ये सोया है जी, कलौंजी सीड्स ने, तुसी देख सकते हो ये छोटे छोटे काले दाने ने, एक कलौंजी के बीज ने जी, इन्हों सीड्स ऑफ ब्लैसिंग भी किया जाता है। ईजीली अवेलेबल ने, तुहानू याद होएगा वो जिहड़ा नान तुसी खांदे हो उहदी खुशबू जिहड़ी आती है ना, तो एक वधिया जिहा ऑथेंटिक फ्लेवर आता वो इन्हां दे नाल ही आता है। सो इन्हां नू सीड ऑफ ब्लैसिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार तुहानू जोड़ां दी दर्द होए, तुहाडा ब्लड शुगर लेवल जिहड़ा कंट्रोल च ना आ रहा होए, तुहाडा भार कंट्रोल च ना आ रहा होए, तुहानू कोई भी गुर्दे का रोग होए, तुहानू कोई भी किस्म का जिगर का रोग होए, यह हर रोग विच काम आता है। सो इहदा इस्तेमाल वेट लॉस लई किस तरह करना आओ देखते हैं। सो यह कलौंजी सीड्स जिहड़े आ जी, इन्हां नू असीं पी लैना, इन्हां दा असीं यह पाउडर बना लिता पीस के। सो इन्हों जी जिनी मात्रा से इस्तेमाल करना है वो बहुत जरूरी है जी देखनी, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा से इस्तेमाल करोगे तो तुहाडे डाइजेशन लिए चंगी नहीं है। सो इहदी मात्रा जो है ऐ 1/4 स्पून तो भी बहुत थोड़ी जी, इनू असी ल्यूक वॉर्म कोसा पानी है वो दे विच लेना है, और नाल असी लेना है शहद, इनू असी मिक्स कर लेना ल्यूक वॉर्म वाटर च। यह तुसी देख सकते हो यह पूरी तरह खुल जाता है और यदा टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं है कि साढ़े को पीता ना जा सके। इनू तुसी जी खाली पेट, यह एक ग्लास खाली पेट तुसी रेगुलरली लो, तुहाडी एक्सरसाइज से तुहाडी डाइट नाल चल रही होगी, पर 12 से 15 दिन के अंदर तुहानू बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हुण असीं इसी दूसरे हैक के बारे गल करांगे जिहड़ा बहुत ज़्यादा काम आता है। उहदे लई सानू जरूरत है दालचीनी दी। दालचीनी जिहड़ा स्टबन बॉडी फैट हुंदा ना, स्पेशली तुहाडा जिहड़ा बैली दा फैट हुंदा है उहनू घटाउण च बहुत मदद करता है। यह एक थैरेपी है, एक हर्बल थैरेपी जो कई सालों तो अपनाई जा रही है। तुसीं देख सकते हो कि असीं इहदे लई पानी बॉयल कीता। सो पानी जदों इस तरह तुसी चेक करो जी उबाल आन लग जाए, उस टाइम तुसी यह छोटा एक पतला जिहा टुकड़ा दालचीनी दे अंदर पा देना है ते फ्लेम नू ऑफ कर देना है। यह चेक जरूर रखना जी, उसे टाइम तुसी फ्लेम ऑफ कर देना है ते तुसी इहनू लिड नाल किसी भी ढक्कन नाल कवर कर देना है। सो यह तुहाडी वो ड्रिंक रेडी हो रही है। जदों यह ल्यूकवॉर्म हो जाए तो तुसी इहनू किसी भी कप विच या ग्लास विच कढ़ के सिप सिप करके शाम दे टाइम ते लो। होपफुली कोशिश करो कि जदों तुहाडा डिनर खत्म हुंदा है उहदे 3 घंटे बाद तुसी अगर यह लो तो इहदा असर बहुत अच्छा होएगा। रेगुलरली इस्तेमाल करो। हाँ, जिन्हां नूं अगर कई बार दालचीनी नाल जलन होण लग पए, कई वारी कईआं नूं इह कंप्लेंट हुंदी है कि हार्ट बर्न होना शुरू हो जाए, वह इहदा इस्तेमाल बिल्कुल ना करन, पर अदरवाइज जिन्हों सूट करे उहदे बैली फैट लई तो चमत्कार होएगी। आई होप यह चीज़ तुहाडी बहुत मदद करेगी। तुहानूं इहदे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होए तुसी मैनू कंटैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।